हे गाइस, वेलकम टू डांस फ्रीक्स। मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सत्यमेव जयते के सॉन्ग दिलबर के ऊपर किया हुआ मेरा वाला डांस स्टेप बाय स्टेप। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उसे देख लीजिए, उसका कार्ड ऊपर डाल दिया और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, देख लीजिए। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रखेंगे और राइट हैंड को उसके एल्बो के ऊपर रखेंगे और एल्बो से राउंड घुमाएंगे, एक सर्कल कंप्लीट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये राउंड करके फिर एल्बो पे इसको रेस्ट कर देना है इस तरह से, फिर ये ऊपर होगा और फिर यही मूवमेंट अपने को राइट हैंड में कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये राउंड एल्बो पे रखा, फिर राइट हैंड में सेम चीज कंटिन्यू किया। अब यही वाला मूवमेंट जो है हम ऊपर लेके जाके सर के ऊपर हाथ रखेंगे और फिर यहां से स्विच करेंगे अपने हाथों को, इस तरह से रखा और ये राइट हैंड नीचे, फिर इसके बाद अंदर हाथ लेके सामने ये मूवमेंट करनी है फिंगर्स की, ये किया। फिर यहां से ये करते टाइम वेव नीचे लेके जानी है और टोस पे आ जाना है, फिर टटक, ठीक है। 1 2 तो ये लाया, ये वेव इस तरह से लाया वेव, फिर नीचे 1 2, ठीक है। फिर यहां से ये वाला हैंड का जेस्चर बनाना है, राइट आंख के ऊपर रखा, फिर स्विच करके लेफ्ट आंख पे और बाहर, फिर उसके सामने देखो, फिर ये 1 2, फिर 1 2 3 4, चार पार्ट्स में बॉडी का वेव करेंगे 1 2 3 4, ओके। एक बार काउंट पे करें 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2, टटक टटक टक। अब आगे करें, फिर हाथ को पीछे लेके जाके पीछे स्टेप लेने, ये लेफ्ट राइट, फिर टर्न हो जाओ, फिर राइट लेफ्ट, फिर टर्न हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए स्टेप लेते टाइम इस तरह से लिया और टर्न किया, फिर राइट लेग को पीछे लेंगे राइट और फिर ये लेफ्ट, ओके। अब ये करते टाइम अपने हाथ को पहले पीछे रखना है, फिर बॉडी जब पीछे जाएगा तो हाथ को आगे लाना है इस तरह से, तो ऐसा लगेगा कि हाथ आपका वही का वही है, ठीक है। इस तरह से आगे पीछे करके आप ट्राई कर सकते हो। अब हार्ट में से इस तरह से फिंगर मूवमेंट करके नीचे रेती गिराते हो, इस तरह का करना है, रेती या पानी, ठीक है। अब ये जैसे नीचे गिरा उसके ऊपर आपको स्टेप लेना है और उसमें से वेव आके आपके बॉडी में से पास हो जाती है, फिर हाथ आ जाएगा सर पे। अब इस तरह से हाथ पहले रखोगे और टर्न करोगे, देखो ये किया, छोड़ा, ये वेव आके ऊपर आई और हाथ आ गया सर पे। अब लेफ्ट हैंड इस तरह से रखो, राइट हैंड पीछे उल्टा रख दो ऐसे, ठीक है। अब स्विच करना है, सिर्फ आगे वाले हाथ को पीछे ले जाना, पीछे वाले हाथ को आगे लाना, लेकिन साथ में फिंगर मूवमेंट थोड़ी सी ऐड करके करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हाथ वही का वही रख के हमें स्विच करना है, टर्न हो जाना है, तो हाथ जो अपने पंजे है उन्हें रिवर्स कर देना है, ये किया टर्न, ठीक है। फिर वापस रिपीट करके सामने आ जाएंगे, ओके। फिर ये गोल घुमाया हाथ, फिर 1 2 3 4 डूम, ओके, 1 2 3 4 डूम, ओके, टटक टटक टक डूम। इसे काउंट करके 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब आगे करते हैं। अब यहां से हमको हाथ इस तरह से लाना है 1 2 पे, फिर पूरा सर अंदर लेके जाके बाहर स्टेप कर लेना है इस तरह से, यह हाथ किया। अब ये जो गैप के अंदर अपने सर को डालो, फिर ये वेव करते हुए पैर बाहर निकालो और फिर बाहर आ जाओ, ठीक है, तो बॉडी का पोज ऐसा हो जाएगा। अब यहां से रेक्टेंगुलर शेप में जाना है, स्ट्रेट लाइंस में इस तरह से, ये साइड राइट साइड नीचे, फिर हाथ गया नीचे और राइट, ठीक है, ये राइट डाउन डाउन राइट, राइट डाउन डाउन राइट, ओके। अब यहां से हम लोग को बॉक्स कटिंग का पार्ट है जिसका मैंने अलग से ट्यूटोरियल बना दिया है, उसका ऊपर कार्ड डाल दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देखकर आप सीख सकते हो। वो सीखने के बाद यहाँ पर सिर्फ ये मूवमेंट ऐड करनी है,
अपने हाथ की पोजीशन स्विच करनी है और साथ में पैर का मूवमेंट ऐड करना है, ऐसे और ऐसे। अब इसके बाद पैर हाथ को स्विच करना है इस तरह से, ऐसे लाएंगे और फेस को उसके बीच में से देखना है, फिर खोल देंगे हाथों को और फिर डूम बाहर निकलेंगे इसको ब्रेक करके। अब ज्वाइन करके ये वाला मूव इस तरह से करेंगे, तो ये 1 2 3 4 एंड फिर ये देखा खोला और बाहर निकले, ठीक है। फिर ये करेंगे, अब हाथ का मूवमेंट सिंपल है, ज्वाइन करके आगे लाना है, इसके साथ में पैर को इस तरह से ऊपर लाना है, अपने लेफ्ट लेग के ऊपर आप खड़े हो जाओगे टोस पर और हील्स को ज्वाइन करके रखेंगे सो दैट ऐसा लगे कि जमीन बाहर आ रही है, ठीक है, फ्लैट रखना और घुटनों को बाहर निकालना और ये साथ में करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर नीचे लाके ऊपर किया, वापस किया, ठीक है, इस तरह से करेंगे, ओके। फिर इसके बाद बॉडी का वेव लेके हम लोग नीचे जाएंगे, फिर आप ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। काउंट पर करें 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 अब आगे करें। इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करना है, ठीक है। ये राइट साइड गए, लेफ्ट साइड गए, राइट लेफ्ट, ठीक है। फिर एक वेव करेंगे, फिर राइट लेफ्ट, फिर उल्टे टर्न होके लेफ्ट हैंड को ऊपर लाएंगे और ये टाटा टाटा टा ये वाला मूवमेंट करेंगे, ठीक है, बीट्स को पकड़ेंगे। फिर वापस टर्न होके वापस 1 2 3 1 2 3 करेंगे, फिर ये किया, ये 1 2 3 1 2 3 फिर टर्न हो गए, फिर अपने आप को गले लगा के टाटा टाटा टट करना है, ठीक है। फिर 1 2 3 1 2 3 सामने हो गए और एक स्पिन कंप्लीट करके सुम, एक बार काउंट पे करें 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सुम, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर स्टेप्स आ गए हो तो प्लीज इसे लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दो सो दैट आपको वीडियो मिस ना कर पाओ, और कुछ और सीखना हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही बहुत कुछ सीखते रहने के लिए बने रहिए डांस फ्रीक्स के साथ, तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप डांसिंग।